नूरपुर के भटवार के पास देर रात एक ट्रक जो कि कांगड़ा की तरफ जा रहा था गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक के गहरी खाई में गिरने से ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक में सवार दूसरे आदमी को घायल अवस्था में नूरपुर के सिविल अस्पताल लाया गया। ये स्थिति को देखते हुए उसे टांडा रेफर कर दिया गया। नूरपुर के थाना प्रभारी मोहनलाल भाटिया ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि देर रात एक ट्रक नंबर HR 67C 5001 कांगड़ा की तरफ जा रहा था और भटवार के पास अचानक गहरी खाई में गिर गया। NDRF व स्थानीय लोगों की सहायता से मनोज कुमार के शव को बाहर निकाला गया। गहरी खाई में गिरने पर ट्रक चालक मनोज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और परिचालक नसीम सुपुत्र शमीम जो भी बुलंदशहर का रहने वाला है घायल अवस्था में नूरपुर सिविल अस्पताल लाया गया जहां से उसे टांडा रेफर कर दिया गया। नूरपुर क्षेत्र के ब्लॉक की सुलियाली पंचायत के वासा लुहारापुरा एवं बालरा गांव में कल रात तेज बारिश और आसमानी बिजली गिरने से वासा के केवल सुपुत्र करतार चंद रिंकू सुपुत्र काकुराम और करतारचंद सुपुत्र भगत राम तथा बलारा के सोहनलाल सुपुत्र निकुराम के घर में नुकसान हुआ है। बलारा के सोहनलाल रिटायर्ड बैंक के अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि घर पर आग सा गोला गिरने जैसा दिखा और सुबह देखा तो सभी बिजली के उपकरण जल गए हैं और मकान में दरार पड़ गई है। वहीं दूसरी ओर बासा में सभी परिवार मेहनत मजदूरी कर अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं और पीड़ित परिवार से बातचीत से मालूम हुआ कि तेज बरसात लगी हुई थी और सारे लोग अपने घरों में सोए हुए थे। करीब 2:30 बजे धमाका हुआ तभी सभी बिजली चली गई। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनके घरों में कुछ जलने की बदबू आ रही है तो पता चला कि उनकी घर के बिजली का मीटर जल गया है और अफरा तफरी का माहौल है। परिवार ने घर में सोए हुए सभी सदस्यों को जगाकर घर से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर बिठाया। परिवार के सभी सदस्य इस मंजर को देखकर घबराए हैं और साथ में रह रहे घरों में भी आवाजें सुनाई दी तो वहां भी ऐसा ही मंजर था। उन्होंने बताया कि सुबह के समय ये खबर पूरी तरह गांव में फैल गई और सुबह पंचायत प्रधान को भी इसकी सूचना दी गई। उन्होंने तुरंत बिजली विभाग के आला अधिकारियों को फोन पर बताया और वहां बिजली कर्मी को भेजने की गुहार लगाई। बिजली विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और आसमानी बिजली गिरने से हुए नुकसान का जायजा लिया है। पंचायत प्रधान ने बताया कि नूरपुर SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर तथा प्रशासन को भी इस हादसे की जानकारी दी गई है और गरीब परिवार को हुए नुकसान के लिए उनकी भरपाई की कोशिश की जाएगी। आरोग्य भारती सोलन द्वारा आयोजित एक दिवसीय आरोग्य मेले एवं स्वास्थ्य शरीर स्वास्थ्य परिवार स्वास्थ्य ग्राम स्वास्थ्य राष्ट्र विषय पर आयोजित सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि ने विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से लोगों को आरोग्य आहार एवं दवाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए आरोग्य भारतीय सोलन को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही विकसित एवं संपन्न राष्ट्र की परिकल्पना साकार करने में योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि आरोग्य भारती द्वारा सम्मेलन के लिए चुना गया विषय न केवल सामयिक है बल्कि सभी के लिए आवश्यक भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश चहुंमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारत को विश्व का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए ये आवश्यक है कि हमारी युवा शक्ति एवं श्रम शक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं मानसिक रूप से मजबूत हो। इसी उद्देश्य को लेकर आयुर्वेदिक के आहार विहार एवं दिनचर्या के सूत्रों को अपनाना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली के देहांत पर सोलन भाजपा मंडल द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा के दौरान उनकी आत्म शांति की प्रार्थना की गई। वहीं उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उनके छाया चित्र पर
फूल अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जीएसटी नोटबंदी जैसे ऐतिहासिक फैसले में अहम भूमिका निभाने पर इतिहास रचने वाले नेता को शत शत नमन भी किया गया। शोक सभा के दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप, मंडल अध्यक्ष रविंद्र परिहार व वरिष्ठ नेता राजेश कश्यप और रितु सेठी भी मौजूद रहे। भाजपा मंडल अध्यक्ष रविंद्र परिहार ने बताया कि भारतीय राजनीति के क्षितिज पर पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री अरुण जेटली आज उनके बीच नहीं है, जिसके चलते आज सारा राष्ट्र शोकगुल है और उन्हें नमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहद सुदृढ़ किया है। उन्होंने कहा कि जेटली अर्थव्यवस्थाशास्त्री तो थे ही, साथ ही वे शिक्षाविद और कानून के ज्ञाता भी थे, जिन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए जिससे आज समूचा भारत याद कर रहा है।